प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार यानी आज से 4 राज्यों के दौरे पर हैं। वे उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजस्थान का दौरा करने वाले हैं। इस मौके पर पीएम मोदी राज्यों को 50,000 करोड़ की 50 परियोजनाओं का तोहफा देने जा रहे हैं, जिसके लिए वे सबसे पहले छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पहुंचे हैं। रायपुर में पीएम साइंस कॉलेज में एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने करीब 7600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर के विभिन्न 6 लेन खंडों की आधारशिला रखना भी शामिल है। रायपुर के बाद प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जाएंगे। गोरखपुर के दौरे के दौरान पीएम मोदी यहां कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, वहीं एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वे गीता प्रेस के कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी गीता प्रेस के टूरिस्टों के साथ एक फोटो सेशन भी करने वाले हैं। इस दौरान पीएम मोदी गोरखपुर में 3 वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। गोरखपुर के बाद पीएम मोदी का कारवां संसदीय क्षेत्र वाराणसी का होगा। यहां वे कई प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से सोन नगर तक माल ढुलाई गलियारे की नई लाइन का भी उद्घाटन करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी वहां पीएम मोदी आवास में जुड़े 5,00,000 लाभार्थियों को घर की चाबियां भी सौंपेंगे। वहीं इसके बाद वे दोबारा से एक जनसभा को संबोधित करेंगे। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी BMW गेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करने वाले हैं। इसके अलावा वे रात्रि विश्राम भी करेंगे। आप देख रहे हैं सौगंध TV, सौगंध वतन की।